देखो चैप्टर नेम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। रीपेमेंट का मतलब है आपने यदि पैसा मार्केट से उधार लिया है तो उसे वापस तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो अब बात आती है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा। आप लोगों ने 12th में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था, याद होगा कुछ थोड़ा बहुत, और वहाँ कुछ DRR वगैरह कुछ ऐसा बनाया था। मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि आपको आना ही चाहिए, पर आपने सुना तो होगा ना। ऐसे ही यहाँ पर जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं तो यहाँ पर बनाया जाता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि CRR कैसे बनता है, कितना परसेंट बनता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज की प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितने साल में होते हैं, ठीक है, और क्या कोई लिमिट है या नहीं है, और होंगे तो किस तरह से उन्हें रिडीम किया जाएगा। तो एक थोड़ा सा इसका थ्योरी लिख लो, क्योंकि पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना आपको, अपनी बुक उठा के बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि थ्योरी आपके लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल्स करना सीख लेंगे तो ट्रस्ट मी आप सारी थ्योरी आपको याद हो चुकी होगी, कौन से मेथड्स हैं और कैसे होता है सब आ जाएगा करना। सबसे पहले तो लिख लो थोड़ा सा, अ कंपनी एंगेज्ड, थोड़ा सा थ्योरी लिखे बिना क्या फील भी नहीं आता ना। अ कंपनी एंगेज्ड इन सेटिंग अप, अ कंपनी एंगेज्ड इन, ये सेटिंग अप हटा दो, अ कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ मत लिखना, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। मैं बता दूं केवल इन्हीं कंपनीज को 20 ईयर्स से ऊपर जाने का राइट है, मतलब इसके अलावा सारी कंपनीज को मैक्सिमम कितना लिमिट है 20 ईयर्स का, मतलब 20 साल से ज़्यादा के टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता। केवल कौन लोग कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में जो इन्वॉल्व हैं, बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। मतलब एक्सीडिंग 20 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी लिखा हुआ है, कॉमा लगा के लिख लो, सब्जेक्टेड टू, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, सब्जेक्टेड टू दी रिडेम्पशन ऑफ अ, सब्जेक्टेड टू दी रिडेम्पशन ऑफ अ मिनिमम 10%, अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर, प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब 21वें साल से 10% रिडम्पशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शुरू कर देना है। यदि 21वें साल से शुरू करेगा तो 21, 22, 23, 24, 25, वो 10 साल हो गए ना भाई। 20 साल से ऊपर 10-10% हर साल करेगा तो 30वें साल में जाके रिडम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से दोबारा बोलना है, सब्जेक्टेड टू दी रिडम्पशन ऑफ अ मिनिमम 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर, प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर फ्रॉम 21st ऑनवर्ड्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस।
तो ये तो पता लग गया कि हाँ जी नॉर्मल कंपनीज 20 ईयर्स के लिए करते हैं और एक्सेप्शनल मैंने बता दिया कौन ज़्यादा से कर सकता है और उनको भी क्या रिस्ट्रिक्शन है। अब बात आती है इसमें कि मैथड्स क्या होते हैं, तो एक हेडिंग डालो मैथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें पहला मेथड आता है रिडेम्पशन आफ्टर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा मेथड आता है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, तीसरा मेथड आता है, यहां देखते हो लिख रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव बोथ, एंड फोर्थ मेथड आता है कन्वर्जन। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं। अब इसके अलावा एक यहाँ पर लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, CRR रिजर्व बनाना है। मतलब रिजर्व क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इंक्रीज होगी जब बनेगी और जहां से बनेगी वो रिड्यूस होगी, राइट। जैसे तुम्हें याद हो तो तुमने DRR का भी बनाया था तो स्टेटमेंट ऑफ PNL से बनाया था। थोड़ा सा स्टोरी सुना देता हूँ, बैलेंस शीट याद है तुम्हें, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। उसमें एक चीज़ होती थी रिजर्व एंड सरप्लस होती थी ना, उसके अंदर होता था जनरल रिजर्व, उसके अंदर ही होता था स्टेटमेंट ऑफ PNL, उसके अंदर ही होता था कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, उसके अंदर होता था तुम्हारे लिए, एक्चुअली तुमने जितना देखा है उतना है ना, उसके अंदर ये सब होता था। फिर यदि मैं बात करूँ तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से DRR भी होता था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यहाँ बात चल रही है कि ये CRR बनाना है, मतलब ये भी एक रिजर्व क्रिएट होगा। रिजर्व क्रिएट होगा तो सर फाइनली ये भी बेचारा यहीं आएगा, है तो इसी कैटेगरी का। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनमें से पैसा निकाल के किस में ट्रांसफर करो, CRR में। मतलब आप इन चीजों की हेल्प से किन्हें क्या बनाओ, CRR। ये कौन सी साइड है बच्चों, लाइबिलिटी साइड। मतलब आप एक लाइबिलिटी साइड के आइटम को ही खत्म करना चाहते हो और एक लाइबिलिटी साइड आइटम को ही बढ़ाना चाहते हो। मतलब सर जो बढ़ेगा वो क्रेडिट और जो घटेगा वो डेबिट। चलिए डिसाइड करते हैं कौन सा आइटम इंक्रीज होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इंक्रीज होगा ना, CRR बढ़ेगा ना, क्योंकि बनाया जा रहा है अभी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या कह रहे हो, हाँ ओवरऑल रिजर्व एंड सरप्लस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और CRR क्रिएट हुआ जिस चीज से क्रिएट हुआ, जैसे काय से क्रिएट हुआ बच्चों, जनरल रिजर्व से, ये डेबिट हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ PNL से, ये डेबिट हो गया, ठीक है। और किसी भी फ्री रिजर्व से। तो बोला ये सर ये फ्री रिजर्व वर्ड क्या है, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अब तो पढ़ोगे, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ये फ्री रिजर्व्स वो होते हैं जिन रिजर्व से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सुना था 12th में, कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी मतलब है कि पॉसिबिलिटी, ऐसे रख लिया कि कोई चीज लग रही है हमें ये शायद जरूरत पड़ जाए, शायद। तो ये फ्री रिजर्व होता है, जरूरत कहीं भी पड़ रही है मैं यूज कर सकता हूँ। ऐसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर कोई रिजर्व बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ तुम्हें ग्रेजुएशन के लिए बोलूँ तो मैं एक एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, तुम इसमें देखोगे आगे जब आपको क्वेश्चन करेंगे ना तब देखोगे ऐसा रिजर्व, और इसमें माना 1,00,000 रुपए है माना, और क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 50% ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व इज फ्री
फॉर डिविडेंट, डिविडेंट। तो ध्यान रखना, जो डिविडेंट के लिए फ्री है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, फ्री रिजर्व बोला जाता है। लैंग्वेज है, मतलब जिसमें फ्री दिख रहा है तुम्हें, फ्री फॉर डिविडेंट, वो क्या चीज हो गई हमारे लिए, फ्री रिजर्व। तो मतलब इसने बोल दिया यूज कर सकता हूं, तो यूज कर लूंगा। ठीक है, एंट्री समझ में आई। अब बताते सर कितना परसेंट बनाना है सीआरआर। तो यहां ये आपको भी फर्स्ट रूल समझना है, फ्रेश इशू वाला अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, फिर कॉम्बिनेशन उसके नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, फिर मिक्स समझेंगे, कन्वर्जन इसमें, टोटल 4 डेज का चैप्टर मान के चलो, और यदि प्रैक्टिस और अच्छी और एक्स्ट्रा करते हैं तो 5 डेज की क्लासेस होती है इस चैप्टर की। तो मान के चलो 5 दिन में वो लेवल अचीव कर लोगे। इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे तुम, मैं बताता हूँ, एक डिफरेंस बताता हूँ 12th और ग्रेजुएशन में, ये तुम्हें नॉर्मली क्या समझ में नहीं आएगा एकदम। तुम्हें याद है 12th में तुम कितनी कितनी बार कोर्सेज करते थे, बुक्स कितनी बार हो जाती थी 12th में अकाउंट्स की, 3-3 बार, वो मोटी मोटी किताबें 3 बार खत्म हो जाती थी। रीजन बीइंग, एक तो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, बहुत एफर्टिंग होता है, बोर्ड्स होते हैं। शेयर्स में कितने क्वेश्चन किए थे याद है क्या, कुछ 200 के करीब तो करे होंगे आराम से। और यहाँ कितने क्वेश्चंस किए शेयर्स के सर, 20। मतलब क्वांटिटी इतनी कम कैसे हो गई, क्योंकि दायरा बहुत सीमित है, ग्रेजुएशन का दायरा बहुत सीमित है। तुम यही चीज सीए में पढ़ोगे, वहीं तुम्हें इसके 50 क्वेश्चन नहीं करने पड़ जाए, तो क्यों, दायरा सीमित नहीं है, समझे ना। तो जैसे अपन, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो साहब हम घूम फिर के किस पब्लिकेशन पे आकर अटकने वाले हैं, आरबीडी पे अटकेंगे। और यदि आरबीडी भी छोड़नी हो तो किस पे अटकेंगे, राजा वन वीक। तो चलो माना हम तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम राजा के भरोसे तो नहीं रहते, तो चलो आरबीडी तक सीमित रह लें। आरबीडी में जो क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत अच्छे अच्छे जो फर्स्ट क्लास क्वालिफाइड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के हिसाब से होते हैं, वो सारे काय में होते हैं, नोट्स में। और हम क्या पढ़ के जाते हैं, नोट्स। तो क्या मतलब निकला सर, कि जो आरबीडी में थी 20 है तो नोट्स में 10 है, वो 10 करने हैं बस केवल, समझे। तो दायरा इतना सीमित है, 10 क्वेश्चंस में से मैंने यदि 8 करा दिए तो तुम्हारे लिए केवल 2 बचे। पर ये नहीं है कि केवल तुम वो 2 करो। मैंने तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम में भी बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करने हैं, वही क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने हैं, बस वो करते ही तुम्हारा उस चीज पे क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। इस चैप्टर में भी यही एडवाइस है मेरी, जैसे जैसे मैं कराता जाऊं साथ साथ उन्हें रिपीट करते रहना, राइट, तब जाके यहां सेट होगा फॉर्मेट, ठीक है ना। तो सीआरआर बनाना आ गया। अब बात आती है आउट ऑफ प्रॉफिट है तो सर क्या होगा, बेटा सीआरआर बनेगा कितना परसेंट सर, 100% बनेगा सर। 100% किसका बनेगा, ऑफ फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड, ऑफ फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड। इसे एक पॉइंट डाल के लिख लो, पहले तो सीआरआर का क्रिएट करने का एंट्री लिख लो, नरेशन लिख लो, बींग सीआरआर मेड, और फिर एक नीचे नोट डाल दो, इन केस ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट हंड्रेड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड। विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। अब हम मेन मेथड पढ़ रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम इसी की जर्नल एंट्री करना सीखेंगे पहले। तो हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, जर्नल एंट्रीज इन केस
इन केस ऑफ रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, जर्नल एंट्री में लिखवा रहा हूं बट क्वेश्चन जब आएंगे ना प्रैक्टिकली तो एंट्रीज शफल की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बात बस दिमाग में केवल याद रखना कि हाँ सर शफलिंग हो सकती है एंट्रीज की। हाँ पैटर्न सेम, एंट्री सेम, बस केवल ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम में कि थोड़ा सा चलता है, मतलब कोई एंट्री का स्टेप पहले, जैसे याद होगा तुम्हें कि वो मैं फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद डायरेक्टली जंप हो गया था 7-6 पे, तो और वो हो भी रहा था आराम से, मतलब ऐसा होता नहीं है ना। अब बताओ फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करने जा रहे हैं, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करने जा रहे हैं तो देखो कभी भी ध्यान रखना एंट्रीज तुम कितना भी कोशिश कर लो रट नहीं सकते, अल्टीमेटली आपको उन्हें बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक दो एंट्री सही है पर एक पूरी किताब ही एंट्रीज से भरी हुई है ना। जैसे वहां कंपनी अकाउंट्स का कहां रख पाए थे, मेहनत करी सीखा तभी तो करके आए क्वेश्चंस। अब आप बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में किस साइड पे शो होती है, लाइबिलिटी और असेट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटीज में, हमें वो कैपिटल तो खत्म करनी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, यही मतलब है रिडेम्पशन का, मतलब यही होता है ना कि सर हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म करके एक्चुअली मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है, फाइनली यही होना है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एंट्री बनती है फॉर, हेडिंग डाल लो इसकी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले रिडेम्पशन का एंट्री बनता है ड्यू का, कैसे होगा ड्यू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर पहले देखना एक बार, मैं थोड़ा सा इसमें एड ऑन करूंगा कुछ, तो ऐसा नहीं है कि कॉपी कर लो बैठ के। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बेटा कैपिटल थी ये खत्म कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगी, और एक्चुअली खत्म होने के बाद हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि पे तो करना पड़ेगा ना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे मैं सारी एंट्रीज जितनी भी लिखाऊंगा उनमें ये रीजनिंग लिखवाता हूँ हमेशा, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कि वाई इट इज हैपनिंग, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। अब यदि ऐसा हो कि हमने ऐसा बोला हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो हम आपको प्रीमियम देंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। याद है तुम्हें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन थी, तो हमने इनको बोला है हम तुम्हें 10% प्रीमियम देंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे लिए क्या है, ऐसे बोल सकते हो कि सर अभी तो खर्चा है, अभी तो खर्चा है सर, और यदि ये रिकॉर्ड किया हो पहले इन्होंने अपनी बुक्स में इशू के टाइम पे माना तो लायबिलिटी है सर। तो यहां ये कुल मिला के सर डेबिट होगी, चाहे आप लायबिलिटी खत्म मान लो इसे और चाहे इसे क्या मान लो, एक्सपेंस। बट मैं तुम्हें बता दूं ये हमारे लिए एक्सपेंस है अभी, ये लायबिलिटी नहीं है, क्यों, हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इशू के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहां आप इसे क्या मानेंगे, एक्सपेंस ही मानेंगे, ठीक। बताइए यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, एंट्री भी समझ में आ गई, नरेशन समझ में आ गई। अब इसे कॉपी कर लो पूरा, अब ये जो पहले सेकंड एंट्री, ये जो प्रीमियम है इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। स्टोरी भी सुनते रहना, ऐसा मत करना केवल बस यहां पे कॉपी हो रहा है और मैं कर रहा हूं, बाद में स्टोरीज काम आएंगी।
सोचो, इधर ध्यान दो, 1 लाख रुपए का रिडेम्पशन करना था, 10% प्रीमियम था, कितना देना है वैसे कुल मिला के? 1:10 देना है ना, पक्का? ठीक है। और वन लाख का जनरल रिजर्व है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तो फेस वैल्यू है बच्चों, ये प्रीमियम है, ठीक है? तो ये प्रीमियम है 10,000। ठीक है, ये है कंडीशन हमारे सामने। हमें प्रीमियम राइट ऑफ करना है पहले, या पहले सीआरआर बनाना चाहिए? सीआरआर तो इससे बनेगा और प्रीमियम राइट ऑफ होगा, और सामने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है? ये हमारे पास है अवेलेबल रिसोर्सेज जिनसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना चाहिए, पहले सीआरआर नहीं बनेगा, क्योंकि सीआरआर की जो अरेंजमेंट्स हैं, सीआरआर का ऑल्टरनेट है हमारे पास क्या? वो दूसरा मेथड लिखवाया था, तीसरा मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक था आउट ऑफ प्रॉफिट, एक था आउट ऑफ फ्रेश इशू। पता है वो फ्रेश इशू क्या है एक्चुअली में, कि यदि आपके पास सीआरआर की कमी हो, वैसे हम इसे कल नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे मेथड को, बट सुन लो फिर भी, कि यदि आपके पास सीआरआर की कमी हो तो आप कहां से ला सकते हो अरेंजमेंट? न्यू इशू से भी ला सकते हो अरेंजमेंट्स। मतलब सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि यदि यहां 90,000 ही हो जीआर, तो इस कंडीशन में यदि हमने सीआरआर बना दिया तो सर सीआरआर तो बन जाएगा पूरा, पर क्या राइटिंग ऑफ हो पाएगी? नो, ये तो गड़बड़ है। तो यहां क्योंकि राइटिंग ऑफ हमारे पास ऑप्शन क्या है, केवल ये राइटिंग ऑफ के ऑप्शंस क्या है, केवल ये। तो यदि हम 10,000 की राइटिंग ऑफ कर लें तो क्या बचा हमारे पास मोटा मोटी? 90। तो हम क्या कितने का सीआरआर बना पाएंगे? केवल 90 का, और बाकी का 10,000 हम इसके लिए कहां से अरेंज कर लेंगे? न्यू इशू से। तो यहां हमारे पास क्या हो सकता है? ऑप्शन है। तो इसीलिए पहले क्या करना चाहिए, पहले प्रीमियम राइट ऑफ करना चाहिए। मैं तुम्हें यह बात ऐसे भी बोल सकता था कि स्टेप नंबर वन दिस और स्टेप नंबर टू दिस, बट तुम हो ग्रेजुएशन में, तो तुम्हें दिमाग पे जोर डालना सीखना पड़ेगा, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि सर पोली पोली स्टेप वन और स्टेप टू बता दो, नहीं तो फिर याद करने के लिए तुम हमारे पास अभी भी ऑप्शन है कि बेटा ये स्टेप नंबर वन है और ये स्टेप नंबर टू है। तो एक्सप्लोर कैसे करोगे? जब डिस्कस करोगे। अभी समझ में आया तुम्हें कि क्या हो रहा था कंपनी में, कि सर यहाँ ऑप्शन है एक्चुअली सीआरआर के लिए, दैट्स वाई हम पहले क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो चलो पहले राइट ऑफ करते हैं, फिर एंट्री लिखो टू टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो राइटिंग ऑफ में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो हमारे पास है जनरल रिजर्व, फिर ऑप्शन है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है? अब इधर देखो बच्चों, एक बार लिखना शुरू कर दिया होगा तुम लोगों ने ना? नहीं, एक्चुअली क्या, मैं तो क्या यहाँ पे, मेरे पास तो ऑप्शन है ना थोड़ा रबड़ वगैरह का। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, नॉर्मली तो हमने देखा है, समझ में आ गया, इसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे हम इसे? क्रेडिट ना, राइट ना? बड़ी इजी बात है। तो सर ऐसे इसमें क्या रोक दिया हमें, हम लिख लेते हैं आराम से। अब यहां डेबिट करना है किसे? आपको याद है एक चीज पढ़ी थी आपने कभी, एसपीआर याद है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पता है ये वो उसका इसका बेस्ट फ्रेंड है। यदि इतने दोस्तों में सी ये जीआर पीएनएल में बैठा हुआ ऐसे कहीं पे भी एसपीआर दिख गया, तो ये पहले जाके किससे मिलेगा? एसपीआर से। क्यों? क्योंकि ये एसपीआर, एसपीआर तुम्हें पता होगा बहुत कम जगह यूज हो सकता है, जिसमें से वन ऑफ द यूज है ये इसका, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करना। तो ये सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देगा?
सबसे पहले प्रेफरेंस देगा एसपीआर को यदि वो होगा तो। तो प्रेफरेंस नंबर वन क्या रहने वाला है? एसपीआर। यदि वो नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व, और वो भी कम पड़ रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। राइट, सिंपल ना। तो ये क्या चीज ना दिया हो, यदि माना एसपीआर नहीं दिया हुआ हो तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी नहीं दे रखा तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा होगा, वो भी नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। इन सब का एक ऑल्टरनेट है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यदि कुछ नहीं दिया तो हमें बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बी पॉजिटिव कैसा नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री समझ में आ गई, इजी लगी। हाँ, और ये सारे लाइबिलिटी साइड आइटम्स है ना, जब खत्म हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। थर्ड एंट्री तो ऑलरेडी लिखी हुई है, क्या? टू क्रिएट सीआरआर, वो तो तुम्हें एज इट इज ही लिखनी है वापस। और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, पे करेंगे, पैसे तो देंगे ना, ड्यू करके रख रखा है उनको, तो कर दो बच्चों पे। क्या एंट्री बनेगी, ऑन पेमेंट, थोड़ा एक हेडिंग डाल लें, ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो बताओ अब एंट्री क्या बनाओगे। वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, क्योंकि सर वो ऊपर वाली फर्स्ट एंट्री में क्या था, क्रेडिट था सर, वो पे ऑफ हो गया तो लाइबिलिटी खत्म हो गई टू बैंक अकाउंट, असेट पे ऑफ हुई है, पैसा गया। किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर टू, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए लिमिटेड रिडीम्ड मिला, इसका पार्ट ए है ना एट पार है, और दूसरा पार्ट है एट प्रीमियम। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, फिक्स है ये, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों एंट्रीज कॉपी कर ली, क्योंकि जो क्या होता है इसमें बहुत लिखना पड़ता है बच्चों को। एंट्री मैंने लिखवा दी, अब मेरे पास तो लिखा हुआ है ना, मैं तो केवल वैल्यूज लिखूंगा, तो तुम अपने पास देख लेना कैसे मैनेज करते हो तुम। मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस बना देता हूँ। एंट्रीज के लॉजिक रीजनिंग्स तो अब हमें सारी क्लियर हैं, अब तो हमें बस क्वेश्चन क्लियर करना सीखना है। बेटा क्वेश्चन पढ़ लेना मन से, मन से मतलब ऐसे सोच के कि बस आज सीख के जाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी है, रिडीम कर रही है 2008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बोल रहा है हमारे पास कुछ नहीं है, केवल और केवल केवल और केवल क्या है, जनरल रिजर्व। ठीक है, बोल रहा है यदि मैं एट पार रिडीम करूं तो बताओ मेरी क्या एंट्रीज बनेंगी, और बोल रहा है मैं एट प्रीमियम करूं तो बताओ क्या बनेंगी। तो साहब पहले तो यदि हम एट पार करें, इधर देख लो बस, फिर तुम आराम से डिसाइड कर लेना कि तुम्हें लिखना कब है, हाँ मतलब लिखना है नहीं लिखना है देख लेना। देखो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है बच्चों, 2001 कितने का है, 100 का,
तो सर फेस वैल्यू कितने की हो गई? 2 लाख की। यदि हम फर्स्ट केस की बात करें तो मैं ग्रीन वाले को केस वन मान रहा हूं, मतलब मैं हरे रंग से जो लिख रहा हूं वो केस वन का कर रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है? तो 2 लाख कर दिया ड्यू मैंने, किसी को भी डाउट हो पूछ लेना। उसके बाद दूसरा है क्या प्रीमियम था, तो ये एंट्री नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल, राइट? जब प्रीमियम नहीं था, मतलब प्रीमियम ही नहीं था तो राइट ऑफ भी नहीं हुआ। उसके बाद सीआरआर बनाना है, कितने का बनता है सीआरआर? 100% का। तो मतलब सीआरआर बनाने के लिए हमारे पास केवल क्या है यहाँ पर? जनरल रिजर्व है सर, तो जनरल रिजर्व लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा। इसको तो मैं अभी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सफाई कर देते ना इसकी। ये लो, जनरल रिजर्व, ठीक है? उसके आगे बढ़ते हैं, ये हो गया जनरल रिजर्व, सीआरआर बन गया। अब लास्ट में एंट्री क्या होगी बच्चों? पे कर दें, केस वन हुआ ये। अब आपको अपने पास कैसे केस वन को मॉडिफाई करके लिखना है वो डिसाइड कर लो जल्दी जल्दी। एक बार और देख लो, फिर आराम से कॉपी करना, मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। इधर देखो केस टू क्या बोल रहा है, केस टू में मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना पेन का, ब्लू की जगह हम इसमें लेते हैं ब्लैक कलर। चलो बताओ कितने रुपए की कैपिटल है? 2 लाख की। प्रीमियम कितना है बच्चों? 10%। कितना होता है? 20,000। तो कितने रुपये ड्यू हो रहे हैं एक्चुअली में? 220। अच्छा इसमें प्रीमियम है तो राइट ऑफ तो करेंगे। कितना है प्रीमियम, किससे राइट ऑफ करें? उसने बोला कि जनरल रिजर्व से करना है, वही है आपके पास, तो ठीक है उठा लो साहब, जनरल रिजर्व से करना है तो कर देते हैं राइट ऑफ। कितना? 20,000। यस 20,000 एंड 20,000 कर दिया राइट ऑफ। उसके बाद क्या करें? सीआरआर बनाएं। सीआरआर कितने का बनेगा? हाँ कितने का अमाउंट में बोल सकते हो ना सब? हाँ देखा ना गलत बोली, तो यहाँ लिख लो कि सीआरआर बेटा किसका बनता है, बस ये ध्यान रखना। इसमें मैं लिखवाया था टू क्रिएट सीआरआर क्या होता है, फेस वैल्यू टू बी रिडीम्ड, राइट ना? तो नोटिस करा जाए कि फेस वैल्यू लिखना है। कितना आ गया? 2 लाख एंड 2 लाख आ गया। और लास्ट में पेमेंट कितना करोगे? 220। यही तो डिसाइड करनी है अमाउंट्स। किसी को डाउट नहीं आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया, आपको अच्छी तरह आ गया, वेरी गुड। अब आपको घर से जितना मैंने पढ़ाया है उसे दोबारा ढंग से पढ़ के आना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे। और मैं बता दूं आपको इसके 80% रूल्स ख़त्म हो गए, अब जो चीज़ें हैं वो सब इसमें ऐड ऑन है छोटी छोटी, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है फिर 5 डेज में।